आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया मेड कॉफ सिरप से जो डेथ हुई है गैम्बिया में, अफ्रीका का एक छोटा सा चुटकू सा प्यारा सा देश। 66 बच्चों की मौत हो गई है, बहुत ही दुखद है। 32 महीने से, मतलब 8 महीने से 4 साल तक की एज ग्रुप है जो बच्चे मरे हैं, और बहुत ही मतलब डाइथिलीन ग्लाइकोल जो कि बड़ा ही डेंजरस होता है वो इन कॉफ सिरप पे पाया गया। मैं आपको केमिस्ट्री बताऊंगा और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसका रियल रीज़न क्या। पीपीटी वाइज चलूंगा और उसी हिसाब से चीज़ें मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो ये आपने हर जगह देखा होगा और WHO ने इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च कर दी। और सबसे बड़ी बात है अलर्ट, आपको पता है ये 4 इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप अलर्ट इशू कर दिए कि इनको कोई भी यूज़ ना करें, और हम इन्वेस्टिगेशन, हम जांच जो है वो चला रहे हैं। फार्मास्यूटिकल में भारत नंबर 1 है, नंबर 1। हम पूरी दुनिया को दवाई दे रहे हैं, वैक्सीन बनाने में हमने कमाल का काम किया है, लेकिन ये जो धब्बा हमारे ऊपर लगा है इसको हम कैसे साफ करेंगे। देखिए अक्यूट किडनी इंजरी इन चिल्ड्रेन, देखिए 3 फेज होते हैं अगर आप ये कफ सिरप ले रहे हैं। देखिए इट्स नॉट अबाउट कफ सिरप, इट्स अबाउट मेडिसिन कॉम्पोजिशन। आप कॉम्पोजिशन क्या यूज कर रहे हो, ठीक है, जो उसमें केमिकल है वो क्या है, क्या उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। तो होता क्या है बेटा कि हम क्या यूज, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, मीथेन तो नहीं, इथीन प्रोपीन ये सब यूज करते हैं, है ना, और ऑल, ठीक है, OL ऑल एल्कोहल ग्रुप। आपने ऑर्गेनिक अगर पढ़ी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि देयर आर ग्रुप्स, ठीक है, एसिटिलीन हो गया CHO, एसिटिलीन का नहीं, वो तो एल्डिहाइड होता है ना, ऑल OL OH ग्रुप जो होता है ना, तो वो सब हम इन कफ सिरप और दवाइयों में यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपने अक्सर देखा भी होगा कफ सिरप पीने के बाद थोड़ी सी नींद आने लगती है ना, तो वो इसीलिए ही होता है। लेकिन दोस्तों यहां पे 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले आपको डायरिया होगा, वॉमिटिंग आएगी, उल्टी आएगी, है ना, और आपका माइंड नंब हो जाएगा, एकदम समझ ही नहीं आया क्या हुआ। दूसरे फेज में क्या होगा, किडनी फेलियर हो सकती है, आपके ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, और तीसरे स्टेज में डेथ, पैरालिसिस या फिर डेथ। 88% मॉर्टेलिटी रेट मिला है दोस्तों, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। ये जो 66 मौतें हुई हैं ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसीलिए यहां पे वेस्ट अफ्रीकन नेशन जो है, ठीक है, और गैम्बिया जो है वो एकदम सन्नाटे में है कि भैया ये क्या हो गया। अब ये सिरप कौन से थे, ये बड़े खतरनाक नाम है दोस्तों, देखो ये एकदम टंग ट्विस्टर वाले नाम है, प्रोमिथाजीन ओरल सोल्यूशन, कॉफिक्स मेलिन बेबी कफ सिरप, मेक ऑफ बेबी कफ सिरप एंड मैग्रिप एन कोल्ड सिरप, दे वर मैन्युफैक्चर बाय द मेड इन फार्मास्यूटिकल बेस्ड इन सोनीपत हरियाणा। तो जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से हुआ है, सोनीपत हरियाणा, मेड इन फार्मास्यूटिकल। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये आप देख सकते हो इन 4 कफ सिरप पर WHO का अलर्ट आया है। आगे और बढ़ते हैं पीपीटी में, पीपीटी के हिसाब से चलेंगे। और ये WHO का ट्वीट है, ये इन्होंने पूरा का पूरा, जो यहाँ पे डॉक्टर टेड्रोस अधानोम है, आपको पता ही है कि WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस अधानोम के ऊपर बड़े आरोप लगते हैं कि चाइना के पास जा रहे हैं, क्योंकि इथियोपिया से आते हैं, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर रहे थे और चाइना ने भर भर में इथियोपिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। खैर मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको इसी पे लेक्चर पे ही रहना है, मतलब इनको थोड़ा सा चाइना प्रो ज्यादा बोला जाता है, प्रो चाइना रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी, तो अब WHO ने सारे देशों को यही बोला है कि भैया ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको रिमूव कर दो, और हमने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, ये खतरनाक है ये, है ना, और ये भारत से आए हैं, तो इट इज डेंजरस। क्यों, क्योंकि 66 बच्चों की मौत हो गई है। याद रखेगा सिर्फ इन्हीं 4 कफ सिरप पे ही शिकंजा कसाया, और आपको बता दो कि भारत में नहीं बिकते, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि भारत में नहीं बिकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है आगे। अब देखिए हार्मफुल सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो दवाई बनाने में खर्चा आता है, कुछ भी बनाने में खर्चा आता है। आप क्या करोगे, आपने कुछ चीज ली, आपने कहा कि सस्ता लेते हैं महंगा नहीं लेंगे, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बिजनेस में क्या होता है, सस्ता माल मिला दो, किसी को क्या पता चलना है। दवाई में भी यही होता है कि जो एक्चुअल में सोल्यूशन आपको चाहिए वो महंगा है। अब इसका अल्टरनेट बहुत सारे केमिस्ट्री में होते हैं, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी तो होते हैं, खतरनाक होता है वो, है ना। तो यहां पे एथिलीन ग्लाइकॉल जो मिलाया है, डाइएथिलीन, एथिलीन डबल बॉन्ड इथीन है यहां पे, है ना, एथिलीन की बात हो रही है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल ऑल, देखिए ऑल ग्रुप है OL, और एथिलीन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल, डाय मतलब एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकॉल दो बार, ठीक है। दे आर मिक्स्ड इन चिल्ड्रन कफ सिरप।
आप इनको कफ सिरप में, ये बहुत ही, इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी 0.14 mg तक ही सही है, इससे ज्यादा दोगे तो बैंड बजनी ही बजनी है। तो इस केमिकल को यूज किया गया था, आपको पता है, इस कॉम्पोजिशन को यूज किया गया था। ओके, अब इसमें जो कफ सिरप का टेस्ट है वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है, लेकिन अगर आप ज्यादा इसको यूज करोगे तो ये डेंजरस है, ये डेंजरस है। और यही गैम्बिया में हुआ है कि ये जो बैंड कंपाउंड्स हैं, मतलब इसकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी इज अलाउड, लेकिन ज्यादा लोगे तो हालत खराब, यही हो गया है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन में डाइएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल बैन है, इसको आप यूज ही नहीं कर सकते, है ना। तो अब देखिए, वैसे तो आप प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोपिलीन ग्लाइकोल महंगा आता है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल इज कॉस्टली। ओके, प्रोपेन है ना, मीथेन CH4, देन इथेन C2H6, देन प्रोपेन C4C3H8, देन ब्यूटेन C4H10 और ऐसे चेन CnH2n+2, है ना। तीन हाइड्रोकार्बन की, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी तीन कैटेगरी होती है, CnH2n+2, ये आते हैं आपके एल्केन में जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे मीथेन इथेन सिंगल बॉन्ड होता है, देन आपके आते हैं डबल बॉन्ड जिनको एल्कीन्स बोलते हैं, CnH2n, देन उसके बाद CnH2n-2 जिनको एल्काइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये एल्कीन ग्रुप में आता है, तो ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल तो ये क्या है, ये महंगा आता है ना। और आपको बता दूं कि दो प्रोपिलीन ग्लाइकोल होते हैं जिसमें से एक इंडस्ट्रियल यूज होता है, एक का मेडिसिनल यूज है और एक का इंडस्ट्रियल यूज है। अब वो इंडस्ट्री वाला और सस्ता आता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल तो यूज हो ही रहा है, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में वो इंडस्ट्रियल ग्लाइकोल यूज कर रहे हैं जो कि और डेंजरस है। तो आप समझ सकते हो ना, इसी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। तो पहले तो अगस्त तक 32 केसेस आ गए थे, ये वैसे केसेस की अगर बात करें तो जुलाई से ही रिपोर्ट होने शुरू कर हो गए थे, लेकिन अगस्त तक 32 केसेस और 28 डेथ्स, 87.5 मोर्टैलिटी रेट। और दोस्तों अभी अगर बात करते हैं तो 66 मौतें हो चुकी हैं। अभी WHO ने अलर्ट तो जारी करी दिया और साथ ही साथ यही बोला है कि ये अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डीएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल था एज अ कंटामिनेंट्स। अभी भारत के लिए मैंने बताया बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके की, देखिए मौतें इसमें, ये यही सेम सॉल्यूशन जो है 1986 की, तो चलिए बहुत पुरानी बात हो गई, 2020 में अभी 12 लोग बच्चों की मौत हुई थी। तो अब देखिए इंडियन कंपनीज को ये देखना पड़ेगा, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ब्लैक मार्केटिंग और गरीबी, भारत में ये प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हम दवाइयों को महंगा कर रखा है, तो अल्टरनेटिव चाहिए, बोलते कह रहे सुनो इसका हम दे रहे ना तुमको, इसका ये दवाई महंगी है, कोई बात नहीं इसका अल्टरनेटिव है हमारे पास, ये यूज कर लो, और वो कितना जानलेवा हो सकता है। तो इन सबकी स्क्रूटनी, जैसे अमेरिका में FDA है, भारत में भी इस तरीके का कुछ आना चाहिए, वरना तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो ये फर्स्ट के सेकंड फेज थर्ड फेज में ऑलरेडी बताया चुका, इसके साइड इफेक्ट कितने होते हैं और लास्ट में ये डेथ ही हो जाती है। 10 दिन का टाइम पीरियड होता है, एक से दस दिन, तो पहले दिन में ये हो जाएगा, ठीक है, डायरिया और वॉमिटिंग और हालत खराब एकदम माइंड। दूसरे फेज में आपके इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, आपकी किडनी फेलियर, आपके यूरिन से ब्लड आने लगेगा, ब्लड जो है वो थोड़ा सा उसका गड़बड़ हो जाता है, और थर्ड फेज में आपकी डेथ ही हो जाती है, आपकी नहीं, मतलब आपकी क्यों ही होगी, भगवान करे किसी की भी डेथ ना हो, है ना। तो ये चीज़ है। अब ये भारत में नहीं बिकता है, आपको बता दूं कि भारत में भी बैन है ना, इस तरीके के ड्रग्स जो हैं दे आर नॉट फॉर लाइसेंस्ड, इनको लाइसेंस दिया ही नहीं गया। तो अगर जहां पे बिक रहे हैं ये, तो समझिए कि वो अनलाइसेंस्ड है, इनको CDSO ने लाइसेंस नहीं दिया है, ठीक है। तो ये भारत में भी नहीं बिकता है, लेकिन वही चीज है, बिकता भी है सब। भाई देखो हर जगह अथॉरिटीज नहीं जा सकती, ये बात है नहीं है वो, लेकिन हर जगह कोई नहीं पहुंच सकता। तो बिक भी रहा है गांव में, मान लीजिए बिक रहा है, अब कौन CDSO वाला वहां पे जाएगा, या कौन जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे ये देखेगा कि अच्छा क्या कॉम्पोजिशन है। ये चीजें पर्दे के पीछे तो हुई नहीं है, लेकिन इसी को ही कम करना है। बाकी ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। अच्छा सॉल्वेंट क्या होता है, देखो सॉल्यूशन, आपने क्लास 11th चैप्टर 2 आपने, नहीं क्लास 12th चैप्टर 2 केमिस्ट्री, सॉल्यूशन चैप्टर है एक, है ना। तो उसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, मोलर मास निकाला जाता है, याद आ रहा होगा जो साइंस के बच्चे हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे पानी जो है वो सॉल्वेंट होकर चीनी सॉल्यूट हो गई, तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है ये एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, लेकिन प्रोपिलीन ग्लाइकोल यानी कि ज्यादा क्वांटिटी और महंगा आता है, तो इसीलिए इसको ना यूज करके हम डाइएथिलीन ग्लाइकोल को यूज करते हैं, क्योंकि ये सस्ता है ना। और यही प्रॉब्लम, ये चलिए सब मैं बताई चुका हूं। प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी दो तरीके के होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए और दूसरा फार्मास्यूटिकल यूज के लिए। अब इंडस्ट्रियल यूज वाला यूज करोगे तो सॉल्वेंट ही सोचिए आप डेंजरस यूज कर रहे हो, तो दिक्कत तो है ही है, ये डेंजरस है।
तो भारत ने यही बोला है कि भारत अथॉरिटीज ये बोल रही है कि देखिए जो भी ड्रग्स आते हैं हम उसको प्रॉपर चेक करके देते हैं, और ये हमारा, ये इट्स नॉट लाइसेंस्ड, ये भारत में बिकता नहीं है, ये बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है ना। तो ये आपको भी देखना चाहिए था, वहां के देश को भी देखना चाहिए था कि क्या ये ठीक है कि नहीं। बाकी भारत हर एक दवाई को टेस्ट करता है, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं या जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं हम उसका प्रॉपर टेस्ट करते हैं, और ऐसे वो मार्केट में